Today we start chapter number 5, Women and Children and Sports. You know, children and women in the sports. Okay, बताता है कि children के जो बच्चे होते हैं उनको उनकी body का development कैसे होता है. Children, क्योंकि ladies हो या बच्चा हो उनकी बॉडी में उनकी एज के अकॉर्डिंग कौन कौन से चेंजेज आते हैं. जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है एज के अकॉर्डिंग और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें फिजिकली और मेंटल क्या चेंज आते हैं, क्या क्या उनकी बॉडी के अंदर फिजिकल और मेंटल चेंज होता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. उनकी एज के अकॉर्डिंग बच्चा जब पैदा होता है थोड़ा और बड़ा होता है डिफरेंट एज ग्रुप में आता है तो डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो उसके फिजिकल चेंज होता है उसके बोन्स में और मसल्स में उनका जो डेवलपमेंट है कुछ का होगा मोटर डेवलपमेंट. कहता है इन डेवलपमेंट का स्पोर्ट्स में क्या यूज है, इन डेवलपमेंट का स्पोर्ट्स में क्या यूज है. अब आप यू फर्स्ट ऑफ ऑल कम इन द चिल्ड्रन, पहले बच्चों के ऊपर आइए. चिल्ड्रन देयर आर टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट इट्स कॉल्ड द मोटर डेवलपमेंट. मोटर मीन्स क्या हुआ, एज के अकॉर्डिंग जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बोन्स में और मसल्स में इट्स कॉल्ड द मोटर डेवलपमेंट. देयर अब नाउ कम ऑन द देयर टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट, टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट. नंबर वन बेटे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है. नंबर टू बेटे फाइन, फाइन मोटर डेवलपमेंट. देर आर टू टाइप डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. अब पहले आइए फाइन में, फाइन में क्या बने, फाइन मोटर डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जहाँ बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में जो छोटी हड्डियाँ हैं सॉफ्ट स्मॉल जो बोन्स हैं और सॉफ्ट जो टिश्यू या मसल्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है. जैसे छोटा बच्चा होता है क्या करता है, किसी की उठते धरता नहीं है वो, किसी को पकड़ेगा वो बॉल को, ग्रिप बॉल की ग्रिप लेगा, उठेगा किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेटा हुआ है अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे मूव करेगा. तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसकी बॉडी में चेंज उसके मसल्स में और उसके बोन्स का डेवलपमेंट होगा. उसी उसका रिक्वायरमेंट क्या है, किसी बॉल को पकड़ना, हाथ पैरों को चलाना, पुशअप करना, जहाँ उसकी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसको छोटी बोन्स और छोटी मसल्स की आवश्यकता है. छोटी मसल्स क्या है, हाथ की मसल्स, बल के हिलाना है मुलायम मसल्स, आंखें छपका रहा है मुलायम मसल्स, हाथ को उठा रहा है मुलायम बोन्स, ठीक है ना. वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, मुलायम बोन्स मुलायम मसल्स और छोटी बोन्स का यूज कर रहा है. तो इस एज में क्या होता है, उसकी छोटी बोन्स और मुलायम मसल्स का डेवलपमेंट, दैट इज द फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्ट मसल्स एंड द शॉर्ट, वो अवस्था जिस अवस्था में बच्चे के अंदर मुलायम मसल्स और छोटी हड्डियों का बोन्स का डेवलपमेंट होता है, इट्स कॉल्ड द फाइन मोटर डेवलपमेंट. नाउ क्रॉस मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट टाइप टू क्रॉस मोटर डेवलपमेंट. वक्त में क्या होता है बेटे, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो उठता है, भागता है, दौड़ता है, कोई काम करता है, जंप करता है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, या उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है चलने की, फिरने की, भागने की, किसी किसी को पकड़ने की, कुछ थ्रो करने के लिए, उसमें क्या चाहिए उसको, हैवी स्ट्रॉन्ग मसल्स और लॉन्ग बोन्स. तो वो एज, वो डेवलपमेंट, वो टाइम पीरियड जिसके दौरान बच्चे के अंदर उस एज के अकॉर्डिंग मजबूत हड्डियां स्ट्रॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स का डेवलपमेंट होता है, इट्स कॉल्ड द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. तो
क्रॉस मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स. क्लियर? देयर आर टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट. नंबर वन कौन सा बेटा? फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन में क्या होता है? फाइन मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्ट मसल्स एंड द शॉर्ट बोन्स. नंबर टू बेटा आ गया क्रॉस मोटर डेवलपमेंट. क्रॉस मोटर डेवलपमेंट में बेटा क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड द स्ट्रॉन्ग मसल्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन द एक्टिविटी इन विच ही और शी आर पार्टिसिपेट. जिस एक्टिविटी पे बच्चा भाग ले रहा है अपनी एज के अकॉर्डिंग, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अंदर स्मॉल बोन्स और लॉन्ग बोन्स का डेवलपमेंट होता है. इट्स कॉल्ड द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया अपने आपको व्हाट डू मीन्स बाय मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ डेली एक्टिविटीज. एंड नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट क्या है? टू टाइप डेवलपमेंट. नंबर वन कौन सा बेटे? फाइन मोटर डेवलपमेंट. नंबर टू बेटे हो जाएगा क्रॉस मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? छोटा बच्चा होता है जो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? लेटा हुआ है, आंखों को झपकाना, पैरों को हिलाना, बॉल को हाथ में लेके दबाना, है ना. तो उसमें क्या होता है? उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ द शॉर्ट बोन्स एंड द शॉर्ट मसल्स. उस एज में क्या होता है? उस बच्चे के अंदर मुलायम हड्डियों का और मुलायम मसल्स का डेवलपमेंट होता है. इट्स कॉल्ड द फाइन मोटर डेवलपमेंट. अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, दूसरे एज ग्रुप में आता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चलेगा. एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, जंप करेगा, लॉन्ग जंप करेगा, कुछ थ्रो करेगा, शॉर्ट पुट है, जेवलियन है, कोई भी इवेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक्टिविटी है, तो उसकी पार्टिसिपेट के उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेटे क्या होता है? उसकी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स का डेवलपमेंट होता है. सपोज क्या है? एक्टिविटी जंप है, जंप में यूनिट नीड द लॉन्ग बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स. तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? बच्चे के एज ग्रुप में जाने के बाद उसके अंदर लंबी हड्डियों का जो लॉन्ग बोन्स है और स्ट्रॉन्ग मसल्स टू कंप्लीट द एक्टिविटी. जंप है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, जेवलिन है, फॉरवर्ड थ्रो है, एक्टिविटी क्या है? दे नीड द पावर, प्रेशर, एनर्जी टू कंप्लीट द इवेंट, टू थ्रो द ऑब्जेक्ट. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? बॉडी, बच्चे की बॉडी के अंदर जो लॉन्ग बोन्स हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स हैं और हैवी मसल्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है. टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, टू टाइप, फाइन एंड ग्रोस. नाउ डिवाइड द एज ग्रुप और चिल्ड्रन. बच्चे की एज ग्रुप वी कैन डिवाइड अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज. नंबर एक क्या बोले? अर्ली, ई ए आर एल, अर्ली चाइल्डहुड. क्या बोले? बच्चे को एज ग्रुप क्या आएगी? 3 to 6. जब बच्चे की एज 3 से 6 के बीच में होती है, इट्स कॉल्ड द अर्ली चाइल्डहुड. पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से पहले की एज इज कॉल्ड द अर्ली चाइल्डहुड अप टू 3 to 6. नंबर टू बेटा कौन सा है? मिडिल, मिडिल चाइल्ड हुड इज द 7 to 10 अबाउट. जब बच्चा एज ग्रुप 7 से 10 के बीच में होती है, इज कॉल्ड द मिडिल चाइल्ड हुड. नंबर थ्री बेटे लेट, लेट चाइल्डहुड 12 से लेकर 15 के बीच. इस एज ग्रुप में बेटे क्या होता है? बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बहुत छोटा बच्चा है 3 to 6, मिडिल चाइल्डहुड है, एज ग्रुप है 7 to 10, लेट चाइल्डहुड है मतलब बड़ा होने से, अडल्ट होने से पहले की अवस्था. इस कॉल्ड द लेट चाइल्डहुड 12 to 15. एज के अकॉर्डिंग क्या होता है? बच्चे की रिक्वायरमेंट बढ़ती है फिजिकली,
बायोलॉजिकल, सेक्सुअल एंड अकॉर्डिंग टू जेंडर। रिक्वायरमेंट जो बढ़ेगी आदमी की, बच्चे की, उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग की बेटे बच्चे की बॉडी के अंदर मसल्स का और बोन्स का डेवलपमेंट। वी डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड द चाइल्डहुड थ्री स्टेज अकॉर्डिंग टू एज। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अर्ली चाइल्डहुड बाल अवस्था से पहले की अवस्था क्या बेटे 3 to 6 years। नेक्स्ट इस एज में जो रिक्वायरमेंट है बच्चे की, छोटा बच्चा क्या करेगा, कहते थोड़ा हल्का उठेगा, भागेगा, गिरेगा, हल्के हल्के काम करेगा ना, हल्की एक्टिविटी में पास आउट। उस दौरान क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर छोटी मसल्स, उंगलियां हैं, पलकों के मसल्स हैं, हाथों की छोटी छोटी मसल्स हैं, इनका डेवलपमेंट होता है। नंबर टू डिस चाइल्डहुड 7 to 10 years। जब बच्चा इस एज ग्रुप में आता है तो उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी एक्टिविटी में बड़े चेंज आ जाता है, तो छोटे काम को छोड़कर बड़ी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। तो उन एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उन बोन्स का और उन मसल्स का डेवलपमेंट होता है। थर्ड लेट चाइल्डहुड 12 to 15 एज का बच्चा क्या होता है, अडल्ट होने से पहले की बिफोर अडल्ट। उसमें क्या होता है, आदमी के अंदर जेंडर वाइज, बायोलॉजिकल, सेक्सुअल और एक्टिविटी में डिफरेंट चेंज आते हैं और उन चेंज के अकॉर्डिंग चाहे वो मेल हो फीमेल हो डिफरेंट टाइप के मसल्स का और बोन्स का डेवलपमेंट होता है। जो बच्चा इस एज ग्रुप में आता है और डीप चाइल्डहुड, तो उसकी एक्टिविटी जो होती है बड़ी हो जाती है, लॉन्ग जंप में भाग लेगा, हाई जंप में भाग लेगा, शॉर्ट पुट थ्रो करेगा, तो जहाँ नीड द एनर्जी, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग उस बच्चे के अंदर हार्ड मसल्स और बेटे लॉन्ग बोन्स का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से क्या करते हैं, वी कैन डिवाइड द एज ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी या डिफरेंट एज ग्रुप, और इन बड़े एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसकी मसल्स और बोन्स का डेवलपमेंट होता है। इट्स कॉल्ड द मोटर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी तरफ माहौल होता है, एटमॉस्फेयर अराउंड अस, उसको पूरा करने के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी जरूरत है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बोन्स के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर डेवलपमेंट होता है, या टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट, फाइन एंड ग्रॉथ डेवलपमेंट। क्लियर? नाउ कम ऑन द पॉइंट, फैक्टर वो कौन कौन से ऐसे रीजन है, फैक्टर है जो मोटर डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। द फैक्टर इफेक्ट ऑफ द मोटर डेवलपमेंट, द फैक्टर इफेक्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, वो कौन कौन से फैक्टर है जो किसी बच्चे के मोटर डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। बेटा मैंने पहले कहा था फिजिकल को कभी आप थोड़ी भी मजा तो मिल जाइए, अपने ऊपर टाइम लीजिए आप, वो कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन सी वजह हैं, कारण हैं जो किसी बच्चे के विकास के ऊपर या मोटर डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। और कौन सी बातें हो सकती है, कौन सी वो बातें हैं, कौन से रीजन हैं जो किसी बच्चे के मोटर डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। नंबर एक क्या बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। नंबर टू हेरिडिटी। नंबर थ्री जीन्स। नंबर चार क्लाइमेट, पॉवर्टी। मीन्स क्या है, ये वो कारण है, गरीबी, कुपोषण, बायोलॉजिकल, बच्चा बच्चे का पेरेंट्स बैठे में को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे के अंदर बात हो जाए। मेंटली हो सकता है बच्चे के माँ बाप के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, माँ बाप के अंदर डिसऑर्डर हो, तो वो डिसऑर्डर क्या है बच्चे के अंदर में भी ट्रांसफर। फिजिकली, मेंटल, बायोलॉजिकल। हेरिडिटी मीन्स क्या है, आनुवंशिकी। हेरिडिटी मीन्स क्या है, माँ बाप के जीन्स बच्चे के अंदर का ये ट्रांसफर होना। और एटमॉस्फेयर, बच्चा कहाँ रह रहा है, किस माहौल में बच्चा पल रहा है,
पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी मीन्स क्या होता है गरीबी, पैसे का अभाव है, बच्चे की प्रॉपर देखभाल नहीं हो रही है, प्रॉपर उसको डाइट नहीं मिल रही है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज अपनी एज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बच्चा प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल वर्क, लैक ऑफ मेंटल वर्क, लैक ऑफ विटामिन मिनरल्स, ट्रांसफर ऑफ जीन्स थ्रू द पेरेंट्स इन द चिल्ड्रन एंड द एटमोसफेयर, कहाँ रह रहे हैं आप, या माँ बाप का अनपढ़ होना, बच्चे को प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर डोज, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना मिलना, दी अदर फैक्टर इफेक्ट ऑन द मोटर डेवलपमेंट, ये सब वो बातें हैं जिन बातों की वजह से बच्चे के विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या अगर माँ बाप अनपढ़ है, बच्चा बीमार है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, छोटी एज के अकॉर्डिंग, फिजिकल डिवेलपमेंट के अकॉर्डिंग मिनरल्स वाटर प्रोटीन की कमी है, फिर कमी में किससे क्या होगा बेटा, बच्चे का फिजिकल और मेंटल पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है। पॉवर्टी, माँ बाप की ऐसी इनकम नहीं है, घर पे ऐसे हालात नहीं है कि बच्चे को अच्छा खाना, अच्छी डाइट प्रोवाइड कर सकें, तो उससे क्या होगा, जो मिनरल्स हैं विटामिन हैं वो बच्चे को पूरी कैपेसिटी पूरी मात्रा में नहीं मिलेंगे, और उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर पूरा प्रॉपर मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। एटमॉस्फेयर, कहाँ रह रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा गर्मी में रह रहे हैं, बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ का सोशल दायरा कैसा है, कहाँ रहते हैं, किस समाज में रहते हैं, आपके आसपास कैसा वातावरण है, गंदगी हो रही है वहाँ, बीमार लोग रहते हैं, तो उसका भी इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। ये सब बातें क्या होती हैं, या फिर क्या होता है, प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग, छोटा बच्चा है तो कहते हैं प्रॉपर मसाज, उसकी प्रॉपर मसाज नहीं हो रही है टाइम पर, थोड़ी एज ग्रुप बच्चे का बड़ा हुआ डोंट परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटी, बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग डोंट परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटी, उससे क्या होगा, उसके बोन्स और मसल्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, तब जब वो अपनी एज के अकॉर्डिंग फिजिकल वर्क नहीं करेगा। ये सब बट ये सब बातें क्या हैं, दिस ओवर द ऑल थिंग इफेक्ट ऑन द वॉटर डेवलपमेंट ऑफ द एनी चिल्ड्रन, जो किसी के बच्चे के विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाले कारण होते हैं, दे कॉल द फैक्टर इफेक्ट ऑन द मोटर डेवलपमेंट ऑफ द एनी चिल्ड्रन। क्लियर बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लेना, आप लोग आगे बताओ चल रहा है। बोल दो इतना बहुत है इसके लिए, तो अनाउंस पहले क्वेश्चन ही बेटा आप लोग।